नमस्कार दोस्तों, आपका KDH चैनल में स्वागत है, अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। गोगा जी महाराज का विशाल मेला चल रहा है, लखी मेला चल रहा है, और ग्राम ददरेवा जहां पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, उस जन्म स्थली पर यहां पर मौजूद हैं, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो दिव्य गोरखनाथ जी का टीला है, जहाँ पर गोरखनाथ जी भक्ति किया करते थे, और गोरखनाथ जी के ही आशीर्वाद से गोगा जी महाराज का बासल माता के जन्म हुआ। आइए इस गोरख टीले का दर्शन करते हैं। दिव्य स्थान है, पूजित स्थान है गोरखनाथ जी का। गोगा जी महाराज की जन्मस्थली ददरेवा धाम का दृश्य है। गोरखनाथ जी भगवान की तपोस्थली गोरख टीला के नाम से इसको जाना जाता है। बहुत ही पवित्र जगह है, यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज भक्ति किया करते थे, और माता बात्सल ने गोरखनाथ जी से आशीर्वाद रूप में गोगा जी महाराज जैसे दिव्य पुत्र का जन्म हुआ। बाहर आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर हर सामान की सजी धजी दुकानें, पूरा मेले जैसा स्वरूप है। भाद्रपद का महीना चल रहा है, और सावन और भादवे के महीने में यहाँ विशाल मेला रहता है, लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर आते हैं। भादवे के महीने का मेला, लाखों लोग यहाँ रोजाना आते हैं दर्शन करने के लिए, भक्त यहाँ लगातार आ रहे हैं। लखी मेला उत्तर भारत के प्रमुख मेलों में से एक, गोगा जी महाराज का मेला, और गोगा जी महाराज को हर कोई मानता है। दिव्य दरबार, दिव्य स्थान है ये, गोरखनाथ जी का टीला के नाम से प्रसिद्ध। गोरख टीले के मुख्य अंदर पहुँच चुके हैं, मंदिर के अंदर का आप देख सकते हैं कि पूरा व्यू, भक्तों की भारी भीड़ है, और भादवे का महीना है, और नवमी तक ये विशाल मेला चलता है। नारियल, ध्वजा, खील आदि का प्रसाद चढ़ाया जाता है, पूरा पंक्तिबद्ध तरीके से भक्तों के दर्शन के लिए सुंदर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। गुरु गोरखनाथ जी का टीला के नाम से प्रसिद्ध गोरक्ष टीला, तपोभूमि, नौलखा बाग, यहाँ पंक्तिबद्ध होकर दर्शन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई गई है। बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर गोरक्ष टीला ददरेवा, चूरू जिले के राजगढ़ तहसील, राजगढ़ के बिल्कुल सादरपुर के नज़दीक ही बिल्कुल यह ददरेवा गाँव है, जहाँ पर गोगा जी महाराज का जन्म हुआ था, और यह है गोरक्ष टीले का सुंदर मंदिर है, बहुत ही विशाल और दिव्य मंदिर है। और ये पांच गुंबदें, इनकी विशालता, इनकी दिव्यता देखते ही बनती है। गहरी श्रद्धा लोगों की, और पेट पलावना रूप से यहाँ लोग आ रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए, गोगा जी महाराज और गोरक्ष टीले के दर्शन के लिए। बहुत ही पावन पवित्र जगह है, और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भक्त है, पेट पलावना और अलग अलग तरीके से इनकी जैसी मुराद मन्नत मांगी हुई होती है, उसी तरीके से अपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिए विभिन्न तरीके से लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य दृश्य है गोगा जी महाराज के मंदिर का, ददरेवा गांव का, और गोरक्ष टीला ददरेवा गांव देख रहे हैं, जहाँ पर गोरखनाथ जी ने तपस्या की थी, और माता बात्सल ने उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर पुत्र रत्न गोगा जी महाराज के रूप में प्राप्त किए थे। पेट पलावना भगवान के दर्शन के लिए, गोगा जी महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं। गहरी श्रद्धा है लोगों की, और यह श्रद्धा प्रकट करने का अपना एक तरीका है। भारी संख्या में भक्त गोरक्ष टीले में गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं। बहुत ही पवित्र स्थल है, और हजारों की संख्या में भक्त आप देख सकते हैं कि लगातार गोरक्ष टीले भगवान के दर्शन के लिए, गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्री श्री 1008 गुरु गोरक्षनाथ का पावन धुणे का दृश्य है, पावन धुणा है, जहां के दर्शन बहुत ही पावन माने जाते हैं, आने वाला हर भक्त यहां दर्शन करता है। गुरु गोरखनाथ जी की दिव्य प्रतिमा यहाँ धुणे स्थल पर लगाई गई है। भगवान शिव के अवतारी माने जाते हैं गुरु गोरखनाथ, और गुरु गोरखनाथ जी की धुणे का दृश्य है गोरक्ष टीले से, और लोग यहां आ रहे हैं, फेरी लगा रहे हैं, आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही पावन और पवित्र जगह है यहां पर ये, और इसकी दर्शन की भी अपनी एक महिमा है। आज गोरक्ष टीले का विशेष कार्यक्रम हम आपके लिए मना रहे हैं, गोगा जी महाराज का मेला चल रहा है, सावन और भादवे के महीने में गोगा जी महाराज का दिव्य मेला आयोजित होता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दिव्य प्रतिमा
गोरक्ष टीले से हमारा ये विशेष कार्यक्रम। और कहते हैं यहीं बाछल माता ने आज से हजार वर्ष पर गुरु गोरखनाथ जी से आशीर्वाद प्राप्त करके गोगा जी को पुत्र रत्न के रूप में मांगा था। गोरखनाथ जी महाराज के दिव्य टीले का सुंदर दृश्य, पावन भादवे का महीना और गोगा जी महाराज के मेले का विशेष कार्यक्रम गोरक्ष टीले से। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दिव्य प्रतिमा गोरक्ष टीले, गोरख धुणे का दृश्य जहाँ पर भक्ति किया करते थे, उस पावन धुणे का दर्शन आप कर रहे हैं जहाँ पर भगवान शिव की तपस्या में लीन रहते थे गुरु गोरखनाथ जी। और उनका अवतार ही कहा जाता है, भगवान शिव के अवतार ही कहे जाते हैं गोरखनाथ जी भगवान, और उनके परम शिष्य गोगा जी थे। तो यह प्रवेश द्वार है गोरक्ष टीले, गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दिव्य उस मंदिर स्थल का। और आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में भीड़ है और हजारों की संख्या में लोग कतारबद्ध होकर भगवान गुरु गोरखनाथ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं। गोरखनाथ जी महाराज की गोरक्ष टीले के अंदर का आप दृश्य देख रहे हैं, गर्भगृह का दृश्य देख रहे हैं जहाँ पर दिव्य प्रतिमाएं मौजूद हैं। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की दिव्य प्रतिमाएं, भगवान शंकर की दिव्य प्रतिमाएं यहाँ विराजमान हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ गोरक्ष टीले में पहुँचे हुए हैं, दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर दिव्य वातावरण यहाँ का, शिवमय वातावरण है। भगवान शंकर के अवतारी माने जाते हैं गोरक्ष महाराज जी महाराज, और गोरखनाथ जी के महाराज के परम शिष्य गोगा जी महाराज हुए थे। भगवान शिव के अवतारी गोरक्षनाथ भगवान की दिव्य प्रतिमा, दिव्य मंदिर, बहुत ही पवित्र स्थल है ये। गहरी आस्थाएं यहाँ पर लोगों की जुड़ी हुई है, हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करते हैं और अपने मन की मनोती मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। और यह सुंदर बगीचा अंदर बनाया गया है, बहुत ही सुंदर दृश्य है गोरखनाथ जी महाराज के मंदिर के अंदर, पंचमुखी हनुमान जी महाराज का दिव्य मंदिर। पांच मंदिर यहाँ अंदर निर्मित हैं, बहुत ही अंदर का जो वातावरण है वो भक्तिमय वातावरण है। और यह है वो विशाल जाल का वृक्ष है जो हजारों वर्ष पुराना है। यहाँ लोग राखी चढ़ाते हैं, मोली बांधते हैं, बहुत ही सुंदर यहाँ का अंदर का दिव्य वातावरण। गुरु गोरखनाथ जी के मंदिर के अंदर का दृश्य आप देख रहे हैं जहाँ पर दिव्य मंदिर बनाए गए हैं। और यह है मंदिर है माता रानी का, माता रानी का दिव्य मंदिर। गोरक्ष टीले का सुंदर दृश्य है अंदर का। और यह है काली माता का मंदिर है गोरक्ष टीले में। अंदर का ये है भक्तिमय वातावरण, देखते ही बनता है। भादवे का महीना चल रहा है, गोगा जी का विशाल मेला चल रहा है, गोरखनाथ जी का मेला चल रहा है, नाथ जी महाराज का पावन स्थान, पावन मंदिर, साथ में विनायक जी महाराज की, गणेश जी महाराज की प्रतिमा विराजित है। गोरक्ष किले गदरेवा गांव का दृश्य है, बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर गोरक्ष टीले का। गोरखनाथ जी के जयकारों से पूरा गूंज रहा है यह। गोगा जी महाराज का यह दिव्य मंदिर गोरक्ष टीले पर गुरु गोरखनाथ जी के दिव्य आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज बाछल माता
को पुत्र रूप में प्राप्त हुए। और यह है बाछल माता गोद में गोगा जी महाराज को लिए हुए सुंदर प्रतिमा गौरक्ष टीले का दिव्य मंदिर, दिव्य स्थान गुरु गोरखनाथ जी के महाराज की तपोस्थली, बहुत ही दिव्य पावन स्थल है। यह है नाथ जी महाराज की समाधि स्थल है। 21 समाधियां हैं इस जगह पर जिन्होंने तप किया, एक के बाद एक नाथ जी महाराज उनकी समाधियां, 21 समाधियां, बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर। गोरखनाथ जी महाराज के गोरक्ष टीले का दृश्य है जिसके दिव्य दर्शन हमने किए। गोलू गुप्ता सिंह जी की तरफ से मंदिर का निर्माण, भादवे का महीना चल रहा है और भक्तों की भारी भीड़ यहाँ उपस्थित है। गोरक्ष टीले ददरेवा गांव में हम मौजूद हैं जहां पर भादवे का पवित्र महीना चल रहा है और भक्तों का यहां पर हजारों की संख्या में रोजाना आना हो रहा है। लक्खी मेला कहा जाता है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेला है ये गोगो जी का, और गोगो जी की जन्म स्थली है ये गोरक्ष टीला है जहां पर आशीर्वाद बाछल माता को प्राप्त हुआ था और गोरखनाथ जी का के आशीर्वाद से ही गोगो जी का जन्म हुआ। यहाँ पर भक्त हैं, उनसे थोड़ी बातचीत करते हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हमें जिला अलीगढ़, जिला अलीगढ़ गांव सिद्धनगर। नाम? नाम नाम राय सिंह। तो राय सिंह जी यहाँ आप पहली बार आए हैं या लगातार कई बार? नहीं, एक बार मैं आया था, छोटा सा था, करीबन था 4-5 साल का था, दूसरी बार आया हूँ। यहाँ आपने दर्शन किए तो कैसी अनुभूति होती है? बहुत अच्छे लगे दर्शन करने के लिए, बहुत बढ़िया। बार बार आएंगे? हाँ बार बार आएंगे जी, क्यों नहीं आएंगे, बार बार आएंगे। और आपसे भी थोड़ा सा जानना चाहूँगा कैसी कैसी अनुभूति होती है यहाँ पर आपने दर्शन किए भगवान के? बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पहली बार आया हूँ मैं तो जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है मेरे को आने में। गोरक्ष टीले ददरेवा गांव गोगा जी महाराज की जन्म स्थली में हम यहाँ पर मौजूद हैं और गुरु गोरखनाथ जी के दिव्य पवित्र स्थान पर यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ गोरखनाथ जी ने दिव्य यहाँ पर तपस्या की। हमारे साथ में नाथ जी महाराज हैं, कृष्णनाथ जी महाराज, और उनके आशीर्वाद रूप में हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं। महाराज से इस जगह की महिमा के बारे में आपसे जानना चाहूँगा। जी, ये नौलखे बाग की जगह है, ददरेवा गांव है। यहाँ पे गुरु गोरक्षनाथ जी ने 1143 में आकर के तपस्या करी थी। 12 साल गुरु गोरक्षनाथ जी ने अपने चेलों के साथ यहाँ पे धुना लगा के उन्होंने तपस्या करी। उसके बाद माता बाछल को वरदान दिया था जिससे गोगा जी महाराज पैदा हुए थे, जो लोक देवता हैं गोगा जी महाराज, आज सांपो के नाम से जाने जाते हैं। जो गोगा जी महाराज जो बहुत ही कृपा करते हैं, अगर किसी भगत को या किसी को भी सांप से अगर वैसे कोई दिक्कत हो तो गोगा जी का नाम लेते ही उसको स्वयं उस चीज़ का निवारण हो जाता है। बिल्कुल, राजस्थान में कहते हैं कि पग पग पर खेजड़ी और पग पग पर गोगा मिड़ी, तो गोगो जी की तो इस तरह से आस्था है कि क्या हिंदू और क्या मुसलमान हर व्यक्ति मानता है, और ऐसे ही गोरखनाथ जी में भी गहरी आस्था है। भगवान शिव का अवतारी कहा जाता है गोरखनाथ जी को। हाँ, गुरु गोरक्षनाथ जी शंकर भगवान के अवतार ही हैं। यहाँ पर नाथ जी महाराज कितने, मतलब कितनी पीढ़ी सेवा करते हुए आपको होगी, आप कितनी पीढ़ी हैं? ये नाथ संप्रदाय का आश्रम है, नाथ संप्रदाय से मेहनत दिन प्रतिदिन मेहनत आगे से आगे। मेरे से पहले पूर्णनाथ जी थे, उनसे पहले सुरजननाथ जी थे, उनसे पहले सुरस्तीनाथ जी थे, उनसे पहले कुशालनाथ जी थे, उनसे पहले भैरवनाथ जी थे, ऐसे चलते आ रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ महाराज जी आपसे मैं थोड़ा सा आशीर्वाद वचन चाहूँगा कि जो लोग भी देख रहे हैं उन पर भगवान गोरखनाथ जी महाराज की कृपा रहे, ऐसे आशीर्वाद रूप में कुछ वचन कहें। गुरु गोरखनाथ जी महाराज का सदैव ही आशीर्वाद बना रहे सब भक्तों के ऊपर, ऐसे ही जो भक्त आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती रहे, श्रीनाथ जी महाराज का आशीर्वाद बना रहे, सुख शांति रहे, घर परिवार बच्चों में बढ़िया अच्छा माहौल रहे। यदि कृष्णनाथ जी महाराज जिनकी जो आप यहाँ पर गोरखनाथ जी महाराज की तपस्या करते हैं। नौलखा बाग गोरक्ष टीला गुरु गोरखनाथ जी की तपोभूमि, दिव्य दर्शन, बहुत ही सुंदर दिव्य मंदिर और भादवे का पावन महीना जहाँ गहरी आस्था लोगों की जुड़ी हुई है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जुट रहे हैं। गोरक्ष टीले का सुंदर दृश्य देख रहे हैं। गोरक्ष टीले नौलखा बाग का दिव्य दर्शन, बहुत ही सुंदर दृश्य। भादवे का महीना है और
भक्तों की भारी भीड़ यहाँ दर्शनों के लिए जुट रही है। हजारों लाखों की संख्या में भक्त यहाँ दर्शन करते हैं। गोगा जी महाराज का लखी मेला, गुरु गोरक्षनाथ भगवान का टीला, नौलखा बाग का दृश्य, गोरखनाथ जी महाराज के मंदिर के बाहर का दृश्य है, नीला घोड़ा, गोगा जी की सवारी। ददरेवा गांव सादलपुर तहसील चूरू ज़िले का, और यहां पर आप देख सकते हैं कि अभी जो सावन और भादवे का जो महीना होता है उसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहां दूर दूर से आते हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहां पर आना होता है। गुरु गोरखनाथ जी महाराज की तपोस्थली का हमने दर्शन किया और गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से ही गोगा जी महाराज बाछल माता के यहाँ जन्म लिया। यह था हमारा विशेष कार्यक्रम गोरक्ष टीले से। मैं हूँ नागेश कुमार कौशिक, अपने सहयोगी कैमरामैन ओम प्रकाश टाक के साथ आप सभी का धन्यवाद।